इस कहानी की शुरुआत में हमें अंटार्कटिका में एम्बरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे पेंगुइन्स थे। उन पेंगुइन्स का मानना था कि हर पेंगुइन को अपने पार्टनर को पाने के लिए एक हार्ट सॉन्ग गाना होगा। वही हमें नॉर्मा जिन नामक फीमेल पेंगुइन को दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छा गाना गा रही थी। वही मेनफिस नाम का मेल पेंगुइन होता है, जो नॉर्मा के साथ गाना गाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों का एक अंडा होता है। फिर सारी फीमेल पेंगुइन्स मछलियां पकड़ने के लिए चली जाती है और सारे मेल पेंगुइन्स घर पर रहकर अपने अंडे की देखभाल करते हैं। सारे मेल पेंगुइन्स घर की तरफ जाते हैं, मगर रास्ते में बर्फीला तूफान आ जाता है और सारे पेंगुइन उनके गिन देवता से प्रे करते हैं कि जल्दी से सुबह हो और सूरज निकले, ताकि सारे पेंगुइन बर्फीले तूफान से बच सके। मगर रास्ते में मेम्फिस से उसका अंडा नीचे गिर जाता है और पेंगुइन्स का मानना था कि अगर घर जाते समय किसी का अंडा नीचे गिर जाता है तो उसका बच्चा उनके लिए अपशगुन माना जाएगा। अगली सुबह सारे पेंगुइन के अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं, मगर मेम्फिस के अंडे में से कोई बच्चा नहीं निकलता है। तो मॉरिस अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ वहां आता है और मेम्फिस से अंडे के बारे में पूछता है। तभी ग्लोरिया अंडे को चोंच मारती है और कहती है कि क्या मैं इस अंडे को ले लूं, मगर मॉरिस उसे मना कर देता है। तभी मेम्फिस के अंडे में से आवाज आने लगती है और अंडे में से एक बच्चे के पैर बाहर निकलते हैं। वो बच्चा चलने लगता है और ग्लोरिया उसे मिस्टर मंबल कहकर बुलाती है और मेम्फिस को भी ये नाम बहुत पसंद आता है। अंडा पूरी तरह टूट जाता है और उसमें से मंबल बाहर आता है। मंबल काफी अजीब तरीके से चल रहा था, उसे देखकर सारे पेंगुइन हैरान हो जाते हैं। मेम्फिस मंबल को ऐसे चलता देख उससे पूछता है कि तुम्हारे पैरों क्या हुआ, तो मंबल कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। तो मेम्फिस मंबल को ऐसे चलने से मना कर देता है और को बताता है कि पेंगुइन्स कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। फिर सारे मेल पेंगुइन्स फीमेल पेंगुइन्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि फीमेल पेंगुइन्स मछलियां पकड़ने के लिए गई थी। थोड़ी देर बाद फीमेल पेंगुइन्स आ जाती है और सारे मेल पेंगुइन्स उनका स्वागत करते हैं। मंबल नॉर्मा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित होता है और भीड़ में खो जाता है। तो मेम्फिस मंबल को ढूंढता है, मगर उसे मंबल नहीं मिलता। तभी नॉर्मा मेम्फिस के पास आकर मंबल के बारे में पूछती है। तभी मंबल वहां जाता है। मंबल को तरीके से चलते देख नॉर्मा भी हैरान रह जाती है और मेम्फिस से मंबल के बारे में पूछती है। तो मेम्फिस झूठ बोलता हुआ कहता है कि अभी बच्चा है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, मगर बड़े होते ही ये सब भूल जाएगा। फिर नॉर्मा मंबल को एक मछली खिलाती है। वही मिस वियोला सारे छोटे पेंगुइन्स को बताती है कि बिना अपने मन के गीत के हम कभी भी पेंगुइन्स नहीं बन सकते, और सबसे अपने मन का गीत गाने के लिए कहती है। सेमियोर और ग्लोरिया अपने मन का गीत गाकर सुनते हैं। उनका गीत सुनकर मिस वियोला बहुत खुश होती है। फिर मिस वियोला मंबल को अपने मन का गीत गाने के लिए कहती है और जब मंबल अपने मन का गीत गाता है, मगर उसकी आवाज बहुत खराब थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और पेंगुइन्स का लीडर नोआ मंबल का गीत सुनकर उसे चुप करवा देते हैं। ये सब देखकर मिस वियोला नॉर्मा और मेम्फिस से पूछती है कि मंबल के जन्म के समय क्या हुआ था, जिस वजह से मंबल ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हो, मगर मंबल बहुत बुरा गाता है। ये सुनकर नॉर्मा मिस वियोला से मंबल की प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तो वियोला उन्हें मिसेस एस्ट्राखेन के पास भेजती है। नॉर्मा और मेम्फिस मंबल को मिसेस एस्ट्राखेन के पास ले जाते हैं। एस्ट्राखेन मंबल को देखकर कहती है कि पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स को ढूंढना होगा और वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। ये सुनकर मंबल नाचने लगता है और मिसेस एस्ट्राखेन से कहता है कि मेरा मन नाचने का कर रहा है। फिर एस्ट्राखेन मंबल से कहती है कि नाचो मत, गाना गाओ, और मंबल गाना गाते हुए नाचने लगता है। मिसेस एस्ट्रा ये देखकर काफी दुखी होती है, क्योंकि वो कभी किसी बच्चे को सिखाने में फेल नहीं हुई थी। फिर मंबल मेम्फिस को कहता है कि मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और हम सब साथ में मछलियां पकड़ने जाएंगे। मगर मेम्फिस गुस्सा होकर मंबल से कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करोगे और गाना गाना सीखोगे। वही मेम्फिस और नॉर्मा मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं और मंबल एक पहाड़ पर जाकर टेप डांस करता है। तभी वहाँ कुछ स्क्वा बर्ड्स आ जाती है और मंबल को खाने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वा बर्ड मंबल को पकड़ लेता है, जिसके पैर में एक येलो रिंग था, जिसे देखकर मंबल बर्ड से उस रिंग के बारे में पूछता है। तो स्क्वा बर्ड गुस्सा होकर मंबल को बताता है कि रिंग उसे एलियस ने पहनाई थी जब उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे, और बताता है कि एलियस दिखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी आंखें सामने की तरफ होती है। तभी दूसरी स्क्वा बर्ड्स येलो रिंग वाले बर्ड का मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से उनके
उनके बीच में बहस हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर मंबल एक दरार में छुप जाता है। फिर स्क्वाब बर्ड्स मंबल को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मंबल अपने नाचने की आदत को दिल में दबाकर क्लास में सबसे पीछे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। अब मंबल और बाकी के पेंगुइन्स बड़े हो जाते हैं और पहली बार मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। सारे पेंगुइन्स पानी में कूदने से डरते हैं, मगर मंबल बर्फ पर फिसलकर पानी में गिर जाता है और उसे देखकर सारे पेंगुइन्स भी पानी में कूद जाते हैं और तैरने लगते हैं। मंबल ग्लोरिया के साथ तैरता है क्योंकि वो ग्लोरिया को पसंद करता था। तभी वहाँ मछलियाँ आ जाती है, सारे पेंगुइन मछलियाँ पकड़ने लगते हैं, मगर ग्लोरिया को कोई मछली नहीं मिलती तो मंबल अपनी मछली ग्लोरिया को देता है। लेकिन तभी एक स्क्वाब बर्ड आकर मंबल की मछली को छीन लेता है, मगर मंबल स्क्वाब बर्ड के पीछे जाता है और मंबल को पकड़ लेता है। फिर स्क्वाब बर्ड उसे हवा में ले जाती है, मगर मंबल स्क्वाब बर्ड से मछली को छीन कर नीचे गिर जाता है और वो मछली ग्लोरिया को दे देता है। फिर रात को सारे पेंगुइन्स मिलकर ग्रेजुएट होने की खुशी में पार्टी करते हैं, जहाँ ग्लोरिया गाना गा रही थी। उसका गाना सुनकर मंबल भी गाता है, मगर सब लोग उसे गाने से मना कर देते हैं और मंबल वहाँ से दूर चला जाता है। अगली सुबह मंबल पानी के बीच में बर्फ के टुकड़े पर होता है, तभी उस पर एक लेपर्ड सील अटैक कर देती है और मंबल को पानी में गिरा देती है। मंबल जल्दी से बर्फ से जमी हुई नदी पर आ जाता है, मगर सील पानी के अंदर से आकर फिर से मंबल को पानी में गिरा देती है। मंबल पानी के अंदर की गुफाओं से निकलकर दूसरी तरफ की बर्फ पर चला जाता है, मगर लेपर्ड सील उसके पीछे बर्फ पर आ जाती है। वहाँ मंबल को रेमन और उसके साथी मिलते हैं, जो एक अलग नस्ल के पेंगुइन्स थे जो की हाइट में मंबल से छोटे थे। वो पेंगुइन्स मंबल को सील से बचकर भागते हुए देखकर उसके फैंस हो गए थे, क्योंकि मंबल पानी में सील से तेज तैर रहा था। मंबल सील को परेशान करने के लिए उसके सामने नाचता है, जिसे देखकर रेमन और उसके साथी बहुत खुश होते हैं और मंबल से कहते हैं कि तुम हमें भी अपनी तरह डांस करना सिखाओ। पेंगुइन्स के कहने पर मंबल उन्हें डांस करना सिखाता है। फिर रेमन और उसके साथी मंबल को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पेंगुइन्स थे जो बहुत खुश थे। मंबल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सारे पेंगुइन पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, जिन्हें देखकर मंबल रेमन से उनके बारे में पूछता है, तो रेमन उसे बताता है कि इन पत्थरों से सब अपना घोंसला बनाएंगे। मंबल रेमन और उसके साथियों से पूछता है कि तुम लोग पत्थर इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे हो, तो रेमन कहता है कि हमें पत्थर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टाइल है जिससे हमें हमारा पार्टनर मिल जाता है। तो मंबल पूछता है कि क्या मुझे भी इस तरह पार्टनर मिल सकता है, तो रेमन और उसके साथी कहते हैं कि तुम पहले से ही इतना अच्छा डांस करते हो, तुम्हें आराम से अपनी पार्टनर मिल जाएगी। वहीं मंबल डांस करते वक्त एक पहाड़ से गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए रेमन और उसके साथी भी कूद जाते हैं। मंबल और उसके साथियों के आइस पर फिसलने की वजह से बर्फ का पहाड़ पानी में गिर जाता है और उनके साथ एक जेसीबी मशीन भी पानी में गिरती है, जिसे देखकर मंबल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज पहले नहीं देखी थी। फिर मंबल और उसके साथी पानी से बाहर आते हैं। फिर मंबल रेमन और उसके साथियों से उस मशीन के बारे में पूछता है, मगर रेमन और उसके साथियों को मशीन के बारे में कुछ नहीं पता था। मंबल उनसे कहता है कि यह चीज कितनी अजीब है, बिल्कुल एलियन जैसी, इसीलिए हमें उसका पता लगाना होगा। फिर रेमन और उसके साथी मंबल को लवलेस नाम की पेंगुइन के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि सारे पेंगुइन लवलेस को अपना गुरु मानते थे। मंबल और उसके साथी लवलेस के पास जाते हैं। फिर मंबल लवलेस से पूछता है कि क्या आपको कभी एलियन ने किडनैप किया था, क्योंकि आपके गले में जो रिंग है वैसी रिंग मैंने एक स्क्वाब बर्ड के पास भी देखी थी, जो कि उसे एलियन ने पहनाई थी जब उन्होंने उसका किडनैप किया था। तो लवलेस मंबल से झूठ बोलता हुआ कहता है कि ये रिंग मुझे जादुई जिनों ने दी थी। ये सुनकर मंबल लवलेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिससे लवलेस को काफी गुस्सा आता है और वो मंबल और उसके साथियों को वहाँ से भगा देती है। फिर रेमन और उसके साथी मंबल से पूछते हैं कि क्या तुम लोग भी पत्थर इकट्ठा करते हो, तो मंबल बताता है कि हम अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए गाना गाते हैं, मगर मुझे गाना गाना नहीं आता है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक मेरा पार्टनर नहीं मिला। तो रेमन मंबल से कहता है कि पार्टनर दिलाने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो मंबल रेमन और उसके साथियों को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ ग्लोरिया और बाकी पेंगुइन्स गाना गा रहे थे। मंबल भी गाना गाता है, जिसे सुनकर ग्लोरिया उसके पास आती है, मगर उसे भरोसा नहीं होता कि यह गाना मंबल गा रहा था। फिर ग्लोरिया को पता चलता है कि यह गाना मंबल नहीं गा रहा था, उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त रेमन गा रहा था। ग्लोरिया मंबल से नाराज होकर दूर जाकर गाना गाने लगती है, तो मंबल ग्लोरिया को मनाने के लिए टेप डांस करके एक धुन बनाता है, जो ग्लोरिया के गाने से मैच
हो जाती है। उसे सुनकर सारे पेंगुइन्स मंबल के साथ मिलकर नाचने लगते हैं। सारे पेंगुइन्स को नाचता देख पेंगुइन के लीडर नोआ बहुत गुस्सा होते हैं और मंबल से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पेंगुइन के गॉड ग्यूएनम से नाराज हो गए हैं, जिसके कारण समुद्र से सारी मछलियां चली गई। मंबल उन्हें बताता है कि बर्फ की दूसरी तरफ एलियंस हैं, उनकी वजह से सारी मछलियां चली गई है। मगर नोआ मंबल की कोई बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां नॉर्मा और मेम्फिस भी आ जाते हैं और मेम्फिस मंबल को कहते हैं कि हमारे लिए तुम्हें नाचना छोड़ना होगा। तभी नॉर्मा मेम्फिस से कहती है कि हमारे बेटे में कोई खराबी नहीं है जो उसे नाचना छोड़ना होगा। फिर मेम्फिस नॉर्मा को बताता है कि जब मंबल अंडे में था तब मेम्फिस से अंडा नीचे गिर गया था, जिसके कारण मंबल इस तरह की हरकतें करता है और हम सबसे अलग है। ये सुनकर नोआ मंबल को वहां से जाने के लिए कहते हैं। नॉर्मा मंबल को रोकने की कोशिश करती है मगर मंबल रेमन और उसके साथियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर मंबल अपने साथियों के साथ लवलेस के पास आता है। जब मंबल और उसके साथी लवलेस के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लवलेस के गले की रिंग बहुत टाइट हो गई थी, जिसकी वजह से लवलेस का दम घुट रहा था। मंबल लवलेस से पूछता है कि क्या सही में ये रिंग उसे जादुई जिन्हों ने पहनाई थी। तो लवलेस उसे बताता है कि ये रिंग उसे जिन्हों ने नहीं पहनाई थी और उन्हें अपने साथ वहां ले जाता है जहां उसे रिंग पहनाई गई थी। तभी ग्लोरिया भी वहां जाती है और मंबल के साथ चलने के लिए कहती है, मगर मंबल ग्लोरिया को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो ग्लोरिया की बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से ग्लोरिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और मंबल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। वो उस एलिफेंट सील के इलाके में जाते हैं और वहां उन्हें ट्रेव नामक एलिफेंट सील मिलता है, जो उन्हें बताता है कि पहाड़ की दूसरी ओर तुम्हें बहुत खतरनाक लोग मिलेंगे, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे और तुम्हारा खाना बनाकर खा जाएंगे। फिर मंबल और उसके साथी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वो सब बर्फीले तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर एक गुफा में रुककर आराम करते हैं। मगर सुबह होते ही लवलेस वहां से गायब हो जाता है। फिर मंबल और उसके साथी लवलेस के पैरों के निशान को देखते हुए एक रिसर्च सेंटर में आते हैं। वहीं पर उन्हें लवलेस मिलता है और वहीं पानी में लवलेस की गले की रिंग की तरह और भी रिंग्स होती है। तभी किलर वेल्स उन पर हमला कर देती है। लवलेस की रिंग एक लोहे की चेन में अटक जाती है और वो पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए मंबल भी पानी में कूद जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। मगर वेल्स चेन को पकड़कर हवा में उछाल देती है, जिसकी वजह से लवलेस के गले से रिंग निकल जाती है। फिर मंबल और उसके साथी वेल से बचकर बर्फ पर आ जाते हैं और वेल वहां से चली जाती है। तभी वहां एक बहुत बड़ी शिप आती है, जिसे देखकर मंबल और उसके साथी हैरान रह जाते हैं और एक पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यही एलियंस हैं जो सारी मछलियों को पकड़कर ले जा रहे हैं। मंबल अपने साथियों को उन्हें रोकने के लिए कहता है, मगर रेमन और उसके साथी डरकर मना कर देते हैं और मंबल को भी जाने से रोकते हैं। मगर मंबल पहाड़ से नीचे कूद जाता है और शिप के पास चला जाता है और जाल को पकड़कर शिप में जाने की कोशिश करता है, पर एक आदमी उसे नीचे गिरा देता है। शिप बहुत तेजी से आगे चली गई थी, जिसके पीछे मंबल भी जा रहा था, मगर उसे शिप दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी मंबल समुद्र में आगे बढ़ रहा था। कई मील समुद्र में तैरने के बाद मंबल ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर आकर बेहोश हो जाता है। वहां पर एक जीप जा रही थी जो मंबल को अपने साथ ले जाती है। जब मंबल को होश आता है तो कुछ पेंगुइन्स के साथ मरीन वर्ल्ड में था। मंबल एक पेंगुइन से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो पेंगुइन उसे बताता है कि तुम पेंगुइन्स के हेवन में हो। तो मंबल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर चारों तरफ ग्लास लगे हुए थे, जिसकी वजह से मंबल वहां से बाहर नहीं निकल पाता। तभी मंबल को मरीन वर्ल्ड के बाहर दो इंसान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मंबल उनसे पूछता है कि आप लोग हमारी मछलियों को क्यों ले जा रहे हैं। मगर उन्हें मंबल की भाषा समझ नहीं आती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। एक दिन मंबल मछलियां खा रहा था, तभी उसकी मॉम और उसके दोस्त उसे बुलाते हैं। मंबल उन्हें मछलियां खाने के लिए देता है, मगर ये सब मंबल का भ्रम था। इसे मंबल उदास होकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। तभी वहां एक लड़की आती है और वो कांच को बजाकर मंबल से बात करने की कोशिश करती है। यह देखकर मंबल भी टेप डांस करके उस लड़की से बात करता है। मंबल को डांस करता देख वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेकर आती है और वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मंबल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर रिसर्चर्स मंबल की पीठ पर एक ट्रैकर लगाकर उसे वापस एम्ब्रल लैंड भेज देते हैं। मंबल वहां आकर सबको बताता है कि एलियंस ही उनकी मछलियों को पकड़कर ले जा रहे थे और वो उनकी मदद करने के लिए एम्ब्रल लैंड आ रहे हैं। मंबल सबको ये भी बताता है कि उसके डांस करने से उन लोगों का सारा ध्यान मेरे ऊपर आ गया था, इस वजह से मंबल सारे पेंगुइन्स को डांस करने के लिए कहता है। तभी
पेंगुइन्स के लीडर नोवा वहाँ जाते हैं और मंबल को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं, मगर दूसरे पेंगुइन मंबल की बात मान जाते हैं और डांस सीखने लगते हैं। तभी वहाँ मंबल की मॉम नॉर्मा आ जाती है और वो मंबल को मेम्फिस के पास ले आती है। मेम्फिस मंबल से माफी मांगते हैं तो मंबल मेम्फिस को डांस करना सिखाता है। तभी मंबल की पीठ पे लगा ट्रेकर बीप करने लगता है और वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर रिसर्चर्स की टीम आ जाती है। उन्हें देखकर सारे पेंगुइन नाचने लग जाते हैं। सारे पेंगुइन्स को एक साथ नाचता देख रिसर्चर्स की टीम उनकी वीडियो बनाती है। उस वीडियो को हर जगह टीवी पर दिखाते हैं और लोगों का मानना था कि पेंगुइन सबसे कहना चाहते हैं कि हम मछलियाँ पकड़कर उनके फूड चेन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। दुनिया भर में अंटार्कटिका में फिशिंग पर बैन लगने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जिसके कारण सारी कंट्रीज ने मिलकर फैसला लिया कि आज से अंटार्कटिका में फिशिंग पर बैन लगा दिया जाता है। सारी शिप्स को अंटार्कटिका से वापस बुला लिए जाते हैं। फिर सारी मछलियाँ वापस आ गई और सारे पेंगुइन्स साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। मंबल को भी उसकी पार्टनर ग्लोरिया मिल गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।